जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। फोर्थ पार्ट फोर फॉर क्लास नाइन्थ, ठीक है, सिर्फ नाइन्थ के लिए है पार्ट फोर। कल आपको तो हम कहानी बता दिए थे, कहानी सुना दिए थे, नहीं कल का काम मेरा ओरल हुआ था। आज सबसे पहला काम करते हैं कि उसको रिटेन में ले आते हैं, क्या, क्योंकि हम कहानी सुनाए, आप इस कान से सुने रहिएगा, उस कान से निकाल दीजिएगा नहीं, इसीलिए उसी कहानी को अब हम रिटेन फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग रिटेन फॉर्म में आते हैं। चलिए आपका रिटेन फॉर्म तैयार है, समय आपका बचाया गया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए आपको हम सब समझा दिए थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा यहां समझाते जाएंगे। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ द सेम स्पीड। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड छूटेगा लॉ अधूरा हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विथ सेम स्पीड, ठीक है, एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन अनबैलेंस्ड, ध्यान दो बात पर, बैलेंस्ड नहीं अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यह आपका था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है। और दूसरा पॉइंट पर हम लोग इनर्सिया, नहीं द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, नहीं था रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेंगे, मोशन में था तो मोशन में रहेंगे, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहेंगे, यानी द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये तीन टाइप का इनर्सिया इज ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट मैं इनर्सिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट। अब इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको आता है, पॉइंट बताते जाते हैं, फिर आज बोल भी देते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर लीजिए। पहला, व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली अ पैसेंजर स्टैंडिंग कैजुअली एक्सपीरियंस ए जर्क बैकवर्ड, नहीं बस में जब हम खड़ा रहते हैं, बस भी खड़ी है, एकाएक बस चलने लगी तो हम कहां आते हैं, जर्क मारता कहां, पीछे की ओर हम चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि बस रेस्ट में है, मेरा बॉडी भी रेस्ट में है, बस तो मोशन में चली गई, क्या मेरा बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए पैर मेरा सटा हुआ है जमीन में, मोशन में चला जाएगा, बॉडी कहां जाएगा, पीछे की ओर झुक जाएंगे। दूसरा, व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन वायलेंटली राइट फ्रूट्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, क्यों, आम इससे लटका हुआ है, इस डाली को हम डुला दिए, डाली तो यहां से यहां चला गया, आम यहीं रह जाएगा, बिना डंडी का ही क्या करेगा, यहां कहां गिरेगा, नीचे। रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ हैंड कार्पेट, दरी में से कंबल में से जब डस्ट निकालना रहता है उसको टांग दिए, ठीक है, टंगा गया मारो, ब्लैंकेट गया बाहर, यहां का जो पार्टिकल था वो कहां चलाया, नीचे। When you strike on a pile of
कैरम क्वाइन, कैरम बोर्ड में जब आप मारते हैं हिट करते हैं, देखो ये सबसे नीचे वाला गया और बाकी सब उसी जगह पर रह गया, नहीं सबसे अच्छा एग्जाम्पल। और फिफ्थ है व्हेन यू हिट ए ग्लास विंडो, जैसे मान लीजिए ये अपना खिड़की है ठीक है, तो एक ढेला मार देंगे हम तो पूरा चकनाचूर हो जाएगा ठीक। वहीं पर एक बुलेट, एक गोली डालेंगे तो जितना गोली का साइज होगा उतना ही छेद करके वो बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसका स्पीड इतना ज्यादा रहता है कि उतना देर तक सारा पार्टिकल को क्या होता है, समझो कि पता भी नहीं चलता है। जब तक उसको बचाने के लिए पहुंचेगा, बचाने के लिए पहुंचेगा तो चूर चूर हो जाएगा क्या। चलो यही मेरा पांच पॉइंट था। अब हम आ जाते हैं इनर्सिया ऑफ किस पर, मोशन पर। अगला पॉइंट है मेरा इनर्सिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्सिया मोशन को पहले डिफाइन कर दीजिए। द रेसिस्टेंस अफॉर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ मोशन, ठीक। एग्जाम्पल ही बताए थे आपको, फिर देख लीजिए एक बार। फर्स्ट, ए साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही स्टॉप पेडलिंग। जैसे आप साइकिल चलाते रहते हैं स्मूथ रोड पर, अपना मुजफ्फरपुर वाला रोड पर नहीं, जैसे इमली चौक से जो हम लोग माझी चौक पर जाते हैं तो क्या कहिएगा इसको, रोड में गड्ढा है ना, गड्ढा में रोड है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि गड्ढा में रोड है, कहीं कहीं रोड है गड्ढा में, ठीक। तो इस रोड के लिए नहीं, जहां स्मूथ रोड होगा उसके लिए कहा है। आप साइकिलिंग करते हुएगा, ठीक है, तो साइकिलिंग करते हुए कुछ देर तक पैदल दिए, उसके बाद पैदल देना छोड़ दिए, ठीक है, फिर भी आपका साइकिल क्या रहता है, मूवमेंट में रहता है कि नहीं, ठीक। यदि और ज्यादा चिकना हो, ठीक है, तो और दूरी आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब, तो रुकता क्यों है साइकिल, आपकी क्यों रुक जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि टायर जो है आपका खुरदरा है, रोड भी खुरदरा है, फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है, ठीक है। तो क्यों चलती रहती है, क्योंकि मोशन में था साइकिल, आपका मोशन में था, इसीलिए वह मोशन में ही रहना चाह, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। When a passenger jumps out of a moving train, he falls down. कल भी बताए थे कि मूविंग ट्रेन है, आप उसी में हैं, उसी में से कूद रहे हैं, यानी आपका बॉडी भी किस में है, उतना ही स्पीड से, उतना ही मोशन में, उतना ही मोशन में रहना चाहेगा। आप जाके उतर जाइएगा, खड़ा हो जाइएगा, तो क्या होगा, ना दो टुकड़ा। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward. नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, किसी चीज से जा रहे हैं, या गाड़ियों पर आप जाते हो या कभी कभी पापा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, रोड अपना जानते ही हैं, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कैसा है जानते ही हैं, भगवान भरोसे ही लोग सही से जाता है और घर चला आता है, कब कौन दिशा से कौन चीज ठोक देगा आपको कोई ठिकाना नहीं है। एक बात हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में एक चीज हम देखते हैं, सही में आश्चर्य होता था हमको पहले, जैसे अपना यहां लाल बत्ती जल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, निकल जाओ इधर से उधर, तोड़ने में मजा आता है, यहां नियम तोड़ने में मजा आता है। वहां देखते हैं, तुम लोग भी जाता होगा देखता होगा कि 100-150 गाय लाल बत्ती जल रही है, वहां खड़ी है, वहां भी एक आध आदमी निकल जाता है, लेकिन टोटल गाय खड़ी है, लाल से जब ये हरी बत्ती हुई सारा गाय एक बार निकल जाएगी, वो तो छोड़ो, हम तो जो गाय है, कुत्ता को देखे हैं हम,
ससुर जिसको कुत्ता ढूंढना है, लड़की देखा रुक गए वहां। चलिए, हम क्या बता रहे थे, मोटरसाइकिल वाला ना पापा गाड़ी से जा रहे हैं, एक आए किधर से किधर कौन आ गया, आप अपना चल रहे के बाद 20 के स्पीड में गाड़ी चल रही है मुजफ्फरपुर से आ रहा है तो 15-20 बहुत हो गया, उसे ज्यादा कीजिएगा तो या तो किसी का जान लीजिएगा या अपना जान दीजिएगा। एक आए कोई आ गया सामने, पापा ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ, उनको ठोकर मारते हैं कि नहीं आप, यही क्यों, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, आपका भी बॉडी उससे अटैच है, वो भी क्या रहेगी मोशन में रहना चाहेगी, वो ब्रेक ले ली, नहीं आप तो ब्रेक नहीं लिए, आप जाके पापा के पिट्ठी में मारते हैं नाक अपना। अगला ये, एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, लंबी कूद जब आता लॉन्ग जंप जाता है तो क्या करता है, दूर से दौड़ते आता है, क्यों, तो बॉडी को मोशन में लाया, तो जितना बॉडी को मोशन में लाएगा उतना वहां सुविधा होगी। अभी हम खड़ा है यहीं से लॉन्ग जंप मार देंगे कितना जाएंगे, 1 फीट 1.5 फीट, और पीछे से दौड़ते आएंगे मोशन में आएगा बॉडी 4 फीट, ठीक। और कोई छोटा, हाँ एक अच्छा पॉइंट, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ बुलेट ट्रेन कम्स बैक टू हिज हैंड, जैसे तुम मोटरसाइकिल पर भी कर सकता है, पापा गाड़ी चला रहे हैं आप पीछे में रहिए, आप भी बैठे हुए हैं, कोई बॉल को फेंकिए, ठीक है चल रहा चल रहा, फिर बॉल आपके हाथ में गिर जाएगा कुछ सेकंड के बाद, जादू है, कोई जादू नहीं है, आप जिस समय में बॉल को फेंके उस टाइम को याद कीजिए, जिस टाइम में बॉल आप उछाले, ठीक है उछाले तो बॉल कहाँ है आपके हाथ में है, आप कहाँ हैं गाड़ी पर, गाड़ी किस अति में है मोशन में, तो गाड़ी मोशन में है आप उस पर बैठे हुए तो आप भी मोशन में हुए, और आपके हाथ में बॉल है तो भी मोशन में हुआ, नहीं हुआ, आप उसको फेंके, आप ऊपर फेंक दिए, तो भैया बॉल तो आपके पास था वो भी तो मोशन में था, वो भी तो मोशन में ही रहना चाहेगा, और आप भी मोशन में है, वो भी मोशन उसी मोशन से हो, कुछ देर के बाद आप हाथ लेता आपके हाथ में क्या होता है गिर जाता है, क्योंकि बॉल भी उतना ही स्पीड से स्पीड को कंटिन्यू किया, आप भी उतना ही स्पीड से हैं, इसलिए आपके हाथ में आके गिर जाना है उसको, अब समझ गए बात। चलिए अब हम आते हैं इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन में आ जाइए, क्या द रेसिस्टेंस ऑफर बाय अ बॉडी To change its direction of motion is called inertia of direction. ठीक है? Example, when a bus suddenly takes a turn, कल भी बताए थे मोड़ पर, जैसे गाड़ी से आप जा रहे हैं और लेफ्ट के तरफ गाड़ी एकाएक मुड़ी, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको किधर करेगा, राइट के तरफ जा रहे हैं, राइट के तरफ एकाएक गाड़ी मुड़ गई तो किधर आप चले जाते हैं, लेफ्ट के तरफ, क्यों, क्योंकि गाड़ी पहले सीधे जा रही थी तो आपका बॉडी भी क्या जाना चाहेगा उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, गाड़ी जब मुड़ गई आप तो सीधे जाना चाहिएगा, नहीं उसके अपेक्षा के क्या हो गया, आप लेफ्ट में आपको जर्क देगा। When a bus suddenly take a turn, the passenger sitting gradually experience a jerk in opposite direction, सीधा। अब ये मड़गार्ड आपके साइकिल में गाड़ी में जो मड़गार्ड लगा रहता है क्या करता है, कैसे आपको बचाता है, कभी आप सोचे हैं, साइकिल स्लो है तो ठीक है, गाड़ी स्लो है तो ठीक है, एक मेरे यहाँ प्रखर नाम का बच्चा है, उसका नाम है प्रखर शाही, बराबर एक्सीडेंट करता है, समझ गया, कल भी एक्सीडेंट किया है, अब बचा कि नहीं बचा, टांग हाथ टूटा कि नहीं टूटा पता नहीं, टूटना चाहिए, माने एक बार टूटेगा उसके बाद आदत छूट जाएगा, तो बता रहे थे हम स्पीड में गाड़ी है, चक्का भी स्पीड में है, उसमें जो टायर है उसमें क्या है खुरदरा है, तो जो धूलकण है या जो मर है कहाँ का, जमीन पर का, रोड पर का, ठीक है,
ये अमेरिका का तो रोड नहीं है, इंडिया का रोड है, जानते ही हैं। तो मड जो है वो टायर के साथ साथ उतना ही मूवमेंट में रहता है, नहीं तो वो आपके शरीर पर आएगा, मड जाके उसको क्या करता है, बचा देता है, आया मूवमेंट यहां टकराया उससे आप बच जाते हैं। सपोज अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड अराउंड अ सर्कल इन अ सर्कल एंड स्ट्रिंग इज कट द स्टोन ट्राइज अ टेंजेंशियली टेंजेंट, ठीक है, जैसे इसी में कुछ हम बांध दिए और इसको नचा रहे, नहीं तो मान लो यहां यदि टूटा रस्सी, यानी यहां पर बॉल है, ठीक है, यहां रस्सी टूटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां टूटा मान लो यहां पर टूटा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में गया, यहां टूटा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, टेंजेंशियली का मतलब क्या 90 डिग्री पर, जैसे यहां है जगह यहां पर ले लो, जैसे मेरा एक व्हील, ठीक है, छोटा ही व्हील, मान लो कि रस्सी से बंधा हुआ, ठीक है, यहां टूटा ठीक कहां जाएगा इधर, ठीक है, रस्सी मान लीजिए यहां पर बॉल है उस समय, यहां टूटा तो किधर जाएगा इधर, टेंजेंशियली माने क्या टेंजेंट किसको बोलते हैं, सर्कल को टच करके निकल जाएगा। और मैथमेटिकली ये जो रेडियस हुआ उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर है या रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, एक और टेंजेंशियली हो गया स्ट्रिंग, द स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड लीव द ग्राइंडिंग फिर टेंजेंशियली, ठीक है, कभी कभी देखता होगा चाकू वकू या कैंची उची धार करवाने जाता है ना, उसको तेज करवाने जाता है, गए और इसे पैदल चलाते रहता है, पैर से पैदल चलाते रहा और चक्की नाचते रहा और वहां पर वो रखा क्या चाकू कहो कैंची कहो छुरी को जो भी तेज करता रहता है, देखिएगा उसका भी उतना ही स्पीड में उसी डायरेक्शन में जाता है, वह क्या है। तीसरा पंखा, पंखा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, किसी किसी का पंखा चलते चलते गिर जाता है सही बात है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ बेड है, यहाँ पंखा लगी हुई है, चलते चलते गिरेगी तो मेरे शरीर पर गिरेगी नहीं, यदि चलते हुए गिरेगी तो मेरे शरीर पर नहीं गिरेगी निश्चित है, वैसे है फैन ऑफ है तब मेरे शरीर पर गिर सकता है, ये है क्योंकि उसी सामने हम है, रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा वहीं पर गिरेगा, लेकिन जब वो मोशन में रहेगा वही कौन काम करेगा उसमें, अभी जो बॉल वाला बताएं बॉल वाला नचाते रहते हैं टेंजेंशियली तो जाके किसी कोना में दीवार में जाके टकरा जाएगा, समझ गया, इससे हम बच जाएंगे, लेकिन दीवार साइड में जो सोया रहा है वो तो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आज सेकेंड लॉ तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, टाइम हो ही गया लगभग, करेंगे तो फिर आधा रह जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट डे ले जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें है इनर्शिया एंड मास, ठीक है, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, इनर्शिया किसको कहते हैं पता है, मास भी पता है, तो मास जितना ज्यादा होगा, याद रखो मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, तीनों केस रेस्ट में भी मोशन में भी और डायरेक्शन तीनों केस, इसे लिखिए लो ये पॉइंट, बोलने से तो नहीं होगा, ए ऊपर ऊपर लिख दो इनर्शिया एंड मास क्या रिलेशन, तो ए हैवियर बॉडी दिखाई दे रहा है, ए हैवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया, ए हैवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी इन ऑल थ्री केसेस,
तीनों केस में ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि एक केस में होगा, तीनों केस में ऐसा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा, सुनिए, आप तो मेरे बच्चे हैं, जितना हम कहें उतना ही तो नहीं कीजिएगा, कुछ तो ज्यादा कीजिएगा क्या। तो हम पांच पांच को एग्जाम्पल आपको दिए, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, आप कम से कम जितना हम दिए उतना भी पांच पांच आप अपने से लिख के आइए और दिखाइए, तो दस दस हो जाएगा। आप खुद ही आपके अगल बगल में है, आपके घर में, आस पड़ोस में, डेली आप स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, है पांच पांच एग्जाम्पल आपको ले लेना, तब आपका फुल हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फुल कोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट डे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, जय मां मंगलामुखी।